इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा दो दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो यात्रा पर ना आए। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन ने ये बड़ा फैसला लिया है। भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। 7 और 8 जुलाई को चारधाम यात्रा नहीं होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। और यात्रा प्रशासन का यात्रियों से यात्रा आरम्भ न करने का भी अनुरोध है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के आसार हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और दो दिनों के लिए चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यात्रा प्रशासन संगठन ने ये बड़ा फैसला लिया है। भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की है। साथ ही आपको बता दें कि 7 और 8 जुलाई को चारधाम यात्रा नहीं होगी। साथ ही यात्रा प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध भी किया है कि वो चारधाम यात्रा आरम्भ न करें।